हिमाचल के कांगड़ा में फतेहपुर उपचुनाव के लिए टिकट को लेकर भाजपा कांग्रेस के नेताओं में जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चेतन चंबियाल व गिरधर गोपाल ने खेहर में एक प्रेस वार्ता में फतेहपुर उपचुनाव में कांग्रेस टिकट की दावेदारी जताते हुए पूर्व मंत्री सुजान सिंह के ही बेटे को टिकट देने की सिफारिश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फतेहपुर मंडल ने कांग्रेस टिकट को लेकर न तो जनता की राय ली, न ही कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया है। केवल मात्र चंद चहेतों की मौजूदगी में पूर्व मंत्री के बेटे को टिकट के लिए नाम का प्रस्ताव पारित कर दिया। ब्लॉक कांग्रेस की तानाशाही से फतेहपुर के कर्मठ कार्यकर्ता बुरी तरह आहत हैं। उन्होंने कहा कि वह 40 सालों से पार्टी में ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब किसी पद की बारी आती है तो कोई न कोई पैराशूटी आकर उस पद को ले जाता है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी देश में जिस जगह पर पहुंची है, देश में आज कांग्रेस के 44 सांसद रह गए हैं, इसका कारण ये है कि आज कांग्रेस में परिवारवाद हावी हो रहा है। वर्कर को रेस्पेक्ट व हक नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो हर कार्यकर्ता को सुना जाता था, हर कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की खुलकर अनदेखी की जा रही है। चेतन चंबियाल ने कहा कि वह लंबे समय से फतेहपुर के लोगों से जुड़े हुए हैं, सुख दुख में उनका साथ दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि जिन्हें आज टिकटार्थी बनाया जा रहा है, वह पिछले 5 सालों में कितने लोगों से मिले और कितने लोगों के काम किए। वहीं चेतन चंबियाल ने हाईकमान से आग्रह किया कि टिकट को लेकर सही फैसला लिया जाए, क्योंकि ये उपचुनाव आने वाले 2022 के चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है। क्या सही और क्या गलत है, हमें कार्य करते हुए इस पार्टी में इतना समय हो गया है, पर जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि बारी आती है किसी चीज की, किसी पद की, तो पैराशूटी कोई ना कोई आके उस पद को ले जाता है। हमें बहुत दुख होता है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं, और ये मैं ही नहीं हूं, ये सारे हमारे पूरे, आज अगर हम कांग्रेस पार्टी जिस जगह पे पहुंची है, हम 44 रह गए हैं, देश में 44 रह गए हैं सांसद हमारे, तो उसका कारण क्या है? कारण उसका यही है कि जो वर्कर है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वर्कर को देखा नहीं जाता। ये बहुत बड़ा हमारे कांग्रेस पार्टी का इस पोजिशन पहुंचने का कारण है। इतना कौन सा प्यार उमड़ आया है, ऐसा क्या दिख गया इनको, किस चीज का लालच है? हमें लालच नहीं है, हमें किसी चीज का लालच नहीं है। हम पार्टी के वर्कर हैं, वर्कर रहेंगे, सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे। अगर मैं बात करूं आज से 5-6 साल पहले की, मुझे किसी पार्टी ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, पर मैंने उस टाइम उसको यह कहा था कि मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं सिपाही रहूंगा, हमें किसी पद और डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, पर हम चाहते हैं कि पार्टी में सही काम, सही आदमी के साथ सही किया जाए, जो काम कर रहा है ग्राउंड में, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको पूछते नहीं है और आके बोल देते हैं कि फलाना 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 क्यों, क्या हमने काम नहीं किया? क्या ऊपर हाईकमान से कोई आया ग्राउंड में देखा उसने कि ग्राउंड में कौन था पिछले 3-4 से? हम गए थे ग्राउंड में, मैं लोगों के घर घर गया, हर एक के सुख दुख में गया, लोगों की प्रॉब्लम जो भी मेरे पास आया, मैंने कभी उसको नहीं पूछा तू किस पार्टी से, किस जात से है। मैंने उस आदमी का काम किया, जो काम लेके आया मैंने किया, जो मेरे पास मदद लेने आया मैंने मदद की। मुझे बताएं कि जो आज टिकटार्थी बन रहे हैं, कितने लोगों की मदद की है, कितने लोगों के बारिशों में लोगों के घर टूट गए, मैंने अपनी तरफ से लोगों के चाहे एक कमरा बना के दिया, मैंने कमरा बना के दिया, पीजीआई में लोग एडमिट होते थे उनको पैसे की जरूरत थी हमने दिए, बच्चियां लायक पढ़ने वाली उनके पास पैसे नहीं थे, गरीब घर से थे, हमने पढ़ाई, अभी भी पढ़ रही है, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चियों को। उस टाइम ये कहां थे, आज इनको इतना प्यार क्यों बढ़ा रहा है फतेहपुर की जनता के ऊपर? मैं हाईकमान से यही कहूंगा कि सही निर्णय लें, जो भी निर्णय लेना है। मैं बात करता हूं ब्लॉक की, कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को मैं पूछता हूं कि उन्होंने आज तक कितनी मीटिंग्स कराई, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा, कितने पुराने कांग्रेसी जो रूठे हुए थे उनको अपने साथ मना के इन्होंने जोड़ा, कितनी मीटिंग्स की? आज ये कहते हैं ये टिकट फलाने को दो। ब्लॉक अध्यक्ष थे हमारे रमेश राणा जी, जो आज से पहले इनसे पहले थे, वो आदमी, वो उसकी डेथ भी तभी हुई है, उसको प्रॉब्लम हुई थी इलेक्शन टाइम पे, पर उसने इलेक्शन जिताया। वो आदमी था जो सभी से मिलता था, बच्चों से भी मिलता था, हमसे हर एक से मिलता था, हर एक को मीटिंग में बुलाता था। इन्होंने तो आज तक किया क्या ब्लॉक ने, और ये कैसे इन्होंने एक नाम कर दिया आगे कि इसको टिकट मिलनी चाहिए? क्यों, ऐसा कौन सा इन्होंने कारनामा कर दिया है कि इनको टिकट दी जाए? लोग आज भी दुखी हैं, लोगों से जाके पूछो, अगर ऐसा कोई गलत डिसीजन हाईकमान लेता है
तो उनका नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।